नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हो वॉइस एमपी। इस वक्त एक बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक खताबे हमारे तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बाबू सिंधी तस्कर के घर पर एक बार फिर नीमच पुलिस ने दबिश दी है। जिस तरीके से बाबू सिंधी का एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें देख पा रहे थे किस तरीके से बाबू सिंधी ने 12 बोर बंदूक से अपना बर्थडे पर केक काटा था, उसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल होता हुआ दिखा। इसके बाद आज एक बार फिर नीमच सिटी पुलिस ने उनके घर पर दबिश दी है। इस वक्त हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक खताबे वहाँ मौजूद है, उन्होंने हमारे पास अपडेट भेजी है, जिसमें बताया जा रहा है कि एडिशनल एसपी सहित नीमच सिटी थाना प्रभारी और केंद्र थाना प्रभारी वहां पर पहुंचे और उनके घर पर दबिश दी गई। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, साथ ही तस्वीरें आप देख पा रहे हो किस तरीके से बाबू सिंधी के घर पर दबिश दी गई है। जिस तरीके से लगातार बाबू सिंधी सुर्खियों में आ रहे हैं, पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसमें आरक्षक पंकज कुमार दिख रहे थे, उन्होंने उनके ऊपर नोट उड़ाए थे जन्मदिन पर। उसके बाद एक और वीडियो अभी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने जन्मदिन पर बंदूक 12 बोर से केक काटा है, जिसके बाद उनके घर पर दबिश दी गई है। साथ ही अगर जानकारी के अनुसार जो हमारे पास अपडेट आ रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि नीमच पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, क्योंकि उन्होंने जो है आर्म्स एक्ट का उल्लंघन किया। उसके बाद उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि उनके साथ साथ और कौन थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। पूरी अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।